आरंभ धमाकेदार मोदी महिला संरक्षण उपहार नुआ संसद भवन को प्रस्थान महिला मिलवा बड़ सम्मान नारी शक्ति बंदन मोदी मास्टर स्ट्रोक को अभिनंदन मातृशक्ति को सम्मान सर्वसम्मति रे बिल पास पाई पीएम का आह्वान। मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल आज का ये दिवस संवत्सरी हो गणेश चतुर्थी हो उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय इतिहास पृष्ठार स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध हो रही 19 सेप्टेम्बर 2023 कारण यही दिन में मोदी सरकार दुई दुईट ऐतिहासिक पदक्षेप भारतीय गणतंत्र सबुदिन स्मरणीय रेसर अधा जनसंख्या अर्थात महिला मानंकु प्रधानमंत्री मोदी मेगा उपहार संसद विधानसभा महिला को जो सम्मान अधिकार देवाई पूर्व अनेक सरकार विफल होते एवं पीएम नरेन्द्र मोदी ताकू साकार करने को जा नुआ संसदर प्रथम दिन प्रथम सत्र में आगत हो बहु प्रतीक्षित महिला संरक्षण विधेयक मोदी सरकार जहां ना रखिंट नारी शक्ति बंदन विधेयक नुआ संसद भवन में निजर प्रथम भाषण में यार उद्घोषण करने दल मत निर्विशेष विधेयक को समर्थन करने को सबू सांसदों को आह्वान देते प्रधानमंत्री। कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया कई बार लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रधानमंत्री भाषण पर नारी शक्ति बंदन विधेयक 2023 को औपचारिक भाव लोकसभा उपस्थापन करते केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल कार्यकारी हेले लोकसभा महिला सांसदों 33% आसन संरक्षित अर्थात लोकसभा महिला सांसदों संख्या सर्वनिम्न 181 लोकसभा सह दिल्ली और सबु राज्य विधानसभा लागू होब 33% महिला संरक्षण तेरे संसद में एससी एसटी महिला पृथक संरक्षण व्यवस्था रही वर्तमान अनुसूचित जाति और जनजाति महिला जी आसन संरक्षित रही 33% से ही वर्गर महिला संरक्षित होबे लोकसभा मोट 543 आसन 84 एससी और 47 एसटी वर्गों पर संरक्षित रही बिल पास होगापर एससी वर्गों पर संरक्षित 84 आसन 28 एवं एसटी वर्गों पर संरक्षित 47 आसन 16 से ही वर्गर महिला रिजर्व रहा जो आसन गुड़िक अणसंरक्षित रही सेठारे मध्य महिला माने निर्वाचन रे प्रार्थी होई परिबे। नारी शक्ति बंदन विधायक 2023 को लोकसभा रे आगत करी आईन मंत्री मेघवाल कहिथिले पूर्वरु जानी सुनी ही बिल को पास करा जाई नथिला। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति बंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी का यही महिला मास्टर स्ट्रोक रे घायला विरोधी एथिरे श्रेय नेबा को उद्यम करथिले। लोकसभा रे कांग्रेस संसदीय दल नेता अधीर रंजन चौधरी कहिथिले एही बिल यूपीए सरकार अमल रे लोकसभा रे पास होईछि तेणु आउ आगत करा जिवार आवश्यकता नहीं। राजीव जी की सरकार नरसिम्हा राव जी की सरकार फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हसियत के अनुसार उसके पास कराने उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था लोकसभा में नहीं होता था कभी लोकसभा में होता था राज्यसभा में गिर जाता था। अधीर का उद्देश्य भल भाव बुझी पारी केन्द्र गृहमंत्री यार जवाब सदन को अवगत कराइबा को जाई गृहमंत्री अमित शाह कहते
लोकसभा भंग होबा सह पूर्व लोकसभा रे अटकी रहितबा विधायक मध्य अकामी होई जाए। माननीय अधिरंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधिरंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए, एक या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 उपरे बुधवार लोकसभा रे वितर्क जारी रहिबो, गुरुवार राज्यसभा रे आगत हेबो। एही बिल कार्यकारी हेबा परे संसद विधानसभा रे महिला संरक्षण रो अवधि 15 वर्ष जाय रहिबो। अवधि वृद्धि रो अधिकार संसद को दिया जायछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।